हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि गाइस आप लोग ने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। इसके पहले मैंने कभी भी व्लॉग नहीं बनाया, तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे, क्योंकि आज है 26 जनवरी 2022। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा साल हम सबका अच्छा जाएगा। सो गाइस, मेरा नाम है कौशिक पटेल और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, और इंडियन राइडर के नाम से मैंने एक चैनल स्टार्ट किया है जिस पर आप अभी वीडियो देख रहे हो। तो एक्चुअली चैनल तो मैंने बहुत टाइम पहले ही स्टार्ट कर दिया था, बट आज तक कभी भी वीडियो नहीं बनाया था। क्यों? उसका रीज़न ये था कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं वीडियोस बना सकूँ, मतलब कैमरे के सामने कुछ बोल सकूँ। फाइनली आज मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है और आगे भी बनाता रहूँगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है व्लॉग्स बनाना। क्योंकि गाइस, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि गाइज, मैं अपने बारे में बताऊँ तो मुझे स्केचिंग करना भी पसंद है और टैटूइंग करना भी पसंद है, मतलब मैं स्केचेस और टैटूज दोनों बनाता हूँ। ये दोनों चीज़ें मैंने यूट्यूब से ही सीखी है। स्केचिंग मैंने 2020 में सीखी, जब कोविड आया था, लॉकडाउन चल रहा था सब जगह पे, तो मैं घर पे पूरा दिन यूट्यूब वीडियोज ही देखते रहता था। रात को दो दो तीन तीन चार चार बजे तक मैं यूट्यूब वीडियोज देखता था। उस टाइम पे सौरव जोशी करके एक यूट्यूबर है, फेमस यूट्यूबर है, जो इस टाइम पे इंडिया का नंबर वन यूट्यूबर है, तो मैं उनको ही फॉलो करता था। आप में से भी बहुत लोग उनके वीडियोस देखते रहेंगे, तो मैंने भी स्केचिंग उनके वीडियोस देख देख कर ही सीखा है। तो गाइस, अभी मैं आपको कुछ सिनेमैटिक शॉर्ट सिखाता हूँ जो कि मेरे स्केचेस के मैंने खुद ने बनाया है, तो आप पहले वो देख लो। ये थे कुछ सिनेमैटिक शॉट जो कि मैंने अपने मोबाइल से ही शूट किया था। ये वीडियो भी मैं अपने मोबाइल से ही शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास DSLR वगैरह तो है नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।